Hi guys, welcome to my channel. I am Pallavi. I hope you all are doing well. So guys, आज मैं आप लोग के साथ ये Indian red makeup look share करने वाली हूँ. So मुझे ये makeup look बहुत ही पसंद आया. So चलिए start करते हैं. So मैंने यहाँ use किया है aloe vera gel ताकि मेरा जो skin है वो hydrated रहे and fresh रहे. देन मैंने यहाँ लिया है कोकोनट क्रीम एंड दिस इज़ फ्रॉम गुड वाइब्स. सो इसे मैं एज अ मॉइस्चराइज़र अपने स्किन पे अप्लाई करूँगी. एंड गाइज ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र का काम करता है. बहुत ही लाइट सा फील कराता है, बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं लगता है. सो इसलिए मैंने ये अप्लाई किया है. एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन. सो समर टाइम है सो सनस्क्रीन यूज़ करना मस्ट है. सो इसे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी गाइज. एंड अगर आप घर में भी हो तो आप सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये सिस ब्यूटी का कंसीलर. सो इसे मैं अपने आईलिड को कवर करूँगी एज अ आई शेडो बेस. देन मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. एंड गाइज ये बहुत ही प्यारा लुक है. आप इसे किसी भी इंडियन वेडिंग में या किसी भी आप पार्टी फंक्शन में इसे वेयर कर सकते हो. सो यार ये हो गया. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का ये कॉम्पैक्ट एंड इसकी हेल्प से मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी. देन मैं अपने आईब्रो को फिल करने के लिए यहाँ पे ले रही हूँ ये माल्याओ का आईब्रो पैलेट एंड इसमें से मैं ये ग्रे शेड लेके अपने आईब्रो पे फिल करूँगी. सो फर्स्टली मैंने अपने आईब्रो को कोम कर लिया है. देन मैं ये ग्रे शेड अप्लाई कर रही हूँ. सो फर्स्टली मैं अच्छे से शेप दे रही हूँ अपने आईब्रो को. देन मैंने इसे फिल कर लिया है. एंड या गाइज ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी करें. सो अब मैं स्टार्ट करूँ अपना आई मेकअप. एंड मैंने यहाँ पे मॉप ब्राउन शेड लिया है एंड इसे मैं अपने क्रीज पे प्लेस कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन शेड. अगर गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ये बिल्कुल फ्री है. सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें इसे एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें. सो देन मैंने यहाँ पे लिया है ये डार्क ब्राउन शेड एंड इसे मैं अपने क्रीज को डार्क कर रही हूँ. तो आप अच्छे से ब्लेंड करें अपने कलर्स को. देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ब्लैक शेड एंड मैंने एक छोटू सा ब्रश लिया है एंड उसकी हेल्प से मैं इसे अपने आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए अपने इनर कॉर्नर तक एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. देन मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ. सो अगर आप कोई कट क्रीज ड्रॉ कर रहे हो, किसी भी तरह का हाफ कट क्रीज या फुल कट क्रीज, तो आप एक ऐसा ट्रिक अपनाते हो तो आपके लिए कट क्रीज ड्रॉ करना ज़्यादा इजी हो जाता है. सो देन मैंने कंसीलर लिया है सिस ब्यूटी का एंड मैं एक हेलो आई कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ. या तो पहले मैंने सोचा था कि मैं हाफ कट क्रीज ड्रॉ करूँगी बट फिर मुझे लगा कि हेलो आई ज़्यादा सही लगेगा. सो देन मैंने ब्लैक शेड लिया है एंड उसे मैं अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस कर रही हूँ. आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है अभी से ही. देन मैंने अगेन ब्लैक शेड को अपने इनर कॉर्नर पे भी प्लेस किया है और मैंने अपने इनर कॉर्नर को ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं किया है, छोटू सा इनर कॉर्नर पे एक ब्लैक शेड अप्लाई किया है मैंने. देन मैंने 27 पैलेट में से ये रेड शेड लिया बट मैं इस कलर से खुश नहीं हूँ.
ये बहुत ही मतलब ऐसा डल सा लग रहा था। देन मैंने ग्लैम 21 पैलेट से ये सिमली सा रेड शेड लिया एंड इसे मैं अपने आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ एंड ये थोड़ा सही लग रहा था, अच्छा लग रहा था ये वाला। तो इसे मैं अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ अपने आईलिड पे। देन अगेन मैंने लिया यहाँ पे ब्लैक शेड एंड मैं एक आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, स्मोकी आईलाइनर टाइप। सो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक देता है जब आप ऐसे लुक में अगर स्मोकी सा कुछ क्रिएट करते हो। सो मैंने अपने आउटर कॉर्नर से जॉइंट करते हुए एक स्मोकी सा लुक दिया है स्मोकी लाइनर का। सो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। सो मैंने अपने टेप को भी रिमूव कर लिया है। सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये काजल एंड इसे मैं अपने अपर वाटर लाइन को एंड लोअर वाटर लाइन को टाइट लाइन करूँगी। एंड गाइज आपको लाइटिंग में थोड़ी सी चेंजेस लग रही होगी क्योंकि बाहर बारिश होने लगी तो मुझे नेचुरल लाइट नहीं मिली क्योंकि सन जी महाराज अपने घर जा चुके थे। सो मैं आर्टिफिशियल लाइट में आ गई एंड मेरे पास कोई भी रिंग लाइट वगैरह नहीं है तो इसलिए ऐसी लाइट हो गई है। कोई नहीं, काम चला लो आप भी और मैं भी चला लेती हूँ। सो देन मैंने यहाँ पे लिया है ये रेड सा शेड, रेड पीची शेड है ये एंड इसे मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया है। एंड जितना अच्छा लुक आपका आता है ना नेचुरल लाइट में उतना अच्छा लुक आपका नहीं आ पाता है आर्टिफिशियल लाइट में, ये चीज़ है। सो देन मैंने यहाँ पे ब्लैक शेड लिया है जिसे मैं अपने लोअर लैश लाइन के बहुत ही क्लोज अप्लाई किया है। सो अब मैं यहाँ ले रही हूँ ये आईलाइनर एंड मैं आईलाइनर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, इससे मैं बस अपने इनर कॉर्नर में एक विंग ड्रॉ कर रही हूँ छोटू सा एंड ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने ऐसे घर में ट्राई किया है बट मैं वीडियो में फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना बेस मेकअप, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे ब्लर प्राइमर। इसे मैं अच्छे से अपने टी जोन एरिया पे अप्लाई कर लूँगी जिससे कि मेरे पोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिनिमाइज हो जाएंगे एंड हमारा जो बेस है, हमारा जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाए एंड वो क्रैकी सा भी ना लगे। सो फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ लिया है फिट मी का फाउंडेशन एंड इसमें मैंने हल्का सा सीरम यूज़ किया है ताकि ये तो ज़्यादा मैटिफाई ना हो क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ड्राई है। सो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। सो आप देख रहे हो मेरा फेस कितना ज़्यादा वाइट लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आर्टिफिशियल लाइट में आ गई हूँ इस वजह से। सो आप ऐसा ना सोचे कि मैं अपने शेड का फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये मेरे ही शेड का फाउंडेशन है। सो अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्विट्स ब्यूटी का कंसीलर एंड इसे मैं अपने अंडर आइज, ब्रिज ऑफ द नोज, फोर हेड एंड अपर लिप एंड चिन पे यूज़ करूँगी। देन मैंने यहाँ पे ये 20 समथिंग का ब्यूटी ब्लेंडर लिया है एंड मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसे। ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप पोल्यूशन का लूज पाउडर, तो उसे मैं अपने कंसीलर को सेट कर ले रही हूँ। एंड गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस से कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलती हो और अगर आप बताना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इससे क्या मुझे पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या पसंद आ रहा है क्या पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर वर्क करूँगी। सो इसलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। सो नेक्स्ट मैंने 20 समथिंग पैलेट से ये कॉन्टोरिंग शेड लिया है एंड मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। सो मैं यहाँ पे अपने चिक बोन्स को एंड फोरहेड को कॉन्टोर कर रही हूँ। देन मैं अपने जॉ लाइन को भी करूँगी कॉन्टोर। एंड सेम ब्रश की हेल्प से मैं अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी। सो पहले मुझे अपने नोज़ को ब्रश से कॉन्टोर करने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, मुझे आता भी नहीं था, बट अब मैं ट्राई करते करते मुझे आ गया है एंड अच्छे से कॉन्टोर भी हो जाता है। सो मुझे अच्छा लगता है एंड ऐसा भी लगता है कि शायद मैं अब धीरे धीरे और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही हूँ।
सो मैंने अपने पाउडर को भी डस्ट ऑफ कर लिया है एंड मैं अब अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। सो मैंने स्विस ब्यूटी के विंकी पैलेट से ये पिंकी सा शेड लिया है एंड इसे मैं अपने चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। देन मैंने सेम पैलेट से ये शैम्पेन सा शेड लिया है एंड इसे मैं एज अ हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। सो इसे मैं अपने चिकबोन्स पे एंड अपने टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज, लिप्स पे एंड चिन पे एंड ऑल्सो फॉरहेड पे अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं अपने ब्राउन को भी हाईलाइट करूँगी। तो लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे की लिपस्टिक इन द शेड रेड। सो आप चाहो तो कोई न्यू शेड भी अप्लाई कर सकते हो बट मुझे रेड ज़्यादा सही लगा इसलिए मैं रेड अप्लाई कर रही हूँ। सो अगर आप कोई न्यूली वेड हो तो भी आप ये लुक वेयर कर सकते हो। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आप लोग को ये लुक पसंद आया हो गाइज। अगर आपको ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें जो कि बिल्कुल फ्री है एंड अपने फ्रेंड फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर दें। एंड ऑल्सो आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हो सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, इससे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं कि आपको ये लुक कैसा लगा एंड या अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो या गाइज बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।